तो गाइस आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। आज हम बात करेंगे जो एक नोटबुक होती है आईपीएल में, कोचेस के पास आपने देखा होगा और भी मैच आप लीग देखते होंगे, सब में एक नोटबुक यूज़ करते हैं सभी कोच, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, सबके पास एक अलग अलग नोटबुक होती है। उसका यूज़ क्या होता है क्रिकेट में, उसका क्या यूज़ होता है, क्या वो उसमें लिखते हैं, मैं आज आपको बताऊँगा। एक भाई का कमेंट था, उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि नोटबुक में क्या होता है, तो मैं आज आपको बताऊँगा डिटेल में क्या होता है नोटबुक में। वीडियो आप एंड तक देखना, बहुत अच्छा और यूनिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है सभी क्रिकेट लवर के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, T20 मान लो आप 3 घंटे का इवेंट होता है, पूरा मोमेंट कभी भी कोई भी कोचिस हर बॉल का मोमेंट अपने माइंड में नहीं रख सकता है। आप डेज मान लो 5-5 दिन के होते हैं और आप वन डे मान लो पूरा दिन का होता है, तो कोई भी कोच आप ले सकते हैं, हर बॉल को अपने माइंड में नहीं रख सकता है, तो वो इसलिए अपने पास नोटबुक रखते हैं। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है मैच में जो वो अपने प्लेयर्स को सिखा सकते हैं, वो उसमें नोट कर लेते हैं। ओवरवाइज जैसे 14.2 ओवर में कुछ कैच छूटा तो उस टाइम उसको नोट करेंगे, जैसे सिंगल था उन्होंने नहीं लिया वो उसको नोट करेंगे, जैसे रनआउट था वो नोट करेंगे, वो हर एक्टिविटी नोट करते हैं कोचेस। फील्डिंग कोच फील्डिंग की सारी एक्टिविटी नोट करेगा, बॉलिंग कोच बॉलिंग की करेगा, बैटिंग की करेगा जो बैट्समैन का कोच है सब। और ओवरऑल जैसे रिकी पोंटिंग का भी आपको पता होगा, वो अपनी एक डायरी अलग रखते हैं, वो भी हर एक्टिविटी नोट करते हैं कि टीम कहाँ से नीचे लग रहा है, कहाँ से वो ऊपर जा रहा है, तो वो डायरी इसलिए होता है। वो यूज़ फिर कैसे प्लेयर्स को बताते हैं, वो इंडिविजुअली हर प्लेयर से बात करते हैं क्या उन्होंने मिस्टेक की मैच में। आप देखते होंगे T20 में जैसे अभी IPL चल रहा है, वो सब कोचेज के पास होती है, सब नोट करते रहते हैं। अभिषेक नायर तो कंटिन्यूस आप देखा होगा फील्डिंग, जैसे वो अपनी टीम के बैट्समैन की सब नोट करते रहते हैं, क्या हुआ, क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, तो वो बाद में जब टीम मीटिंग होगी सब बात करते हैं। तो गाइज यही काम होता है नोटबुक का, प्लेयर्स की गलती को बताना, टीम मीटिंग में बात करते हैं और प्लेयर्स की गलती को बताते हैं कि क्या गलती उन्होंने मैच में की। सब कोचेज के पास इसलिए ही होती है, वो हर ओवर में वो गलती लिखते हैं और फिर टीम मीटिंग में उसको बताते हैं, फिर नेक्स्ट मैच में गलती ना हो, इसलिए वो नोटबुक होती है कोचेज के पास। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, क्रिकेट विशाल सेम अकाउंट है, जो यूट्यूब नेम है वही इंस्टाग्राम पे है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।